प्रयागराज के मेजा क्षेत्र में अवैध क्लीनिकों का बोलबाला है। यहां उच्च डीहे बस स्टैंड के पास एक क्लीनिक पिछले 15 सालों से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संचालित हो रहा है। संस्थाई पत्रकार ने इस क्लीनिक के बाहर मरीजों की लंबी कतार देखकर क्लीनिक संचालक से बात की। इस दौरान पता चला कि यह क्लीनिक बिना किसी वैध रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। पत्रकार ने क्लीनिक संचालक की इस अवैध गतिविधि का पर्दाफाश किया। इस मामले में पत्रकार ने प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से फोन पर बात की और इस अवैध क्लीनिक के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन लिया। इस खुलासे के बाद क्षेत्र में अवैध क्लीनिकों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में इस बात को लेकर चिंता है कि ऐसे क्लीनिकों में मरीजों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता है। प्रयागराज के CMO ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस अवैध क्लीनिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के अन्य अवैध क्लीनिकों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। Ada24 इंटू 7 लाइव टीवी पर वैभव यादव की रिपोर्ट। उजड़ी बस स्टैंड के पास पे हम मौजूद हैं और लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर बंगाली होते हैं उनकी दवाइयाँ ज़्यादा फायदेमंद होती है। फिलहाल आज हम एक डॉक्टर बंगाली के पास में हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में किस तरीके से ये लोग इलाज करते हैं जो कि लोग इन्हें भरोसेमंद समझते हैं। और तकरीबन आप देख पा रहे पहले इनके क्लिनिक का आपको नाम दिखाएं। का नाम वगैरह कुछ नहीं यहाँ पे, हॉस्पिटल किस नाम पे है या क्लिनिक है जो भी है फिलहाल यहाँ पे कोई नाम पता नहीं है। और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पे MK कुछ इनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और कुछ यहाँ पे पेशेंट भी बैठे हुए हैं। माता जी से हम बात करते हैं। माता जी क्या दिक्कत है बच्ची को? बुखार हुआ है। बुखार हुआ है हाँ। और कहीं पे दिखाए थे कि इन्हीं के पास आए थे? इन्हीं के पास आए हैं, अभी आज आया है। इन्हीं के पास दिखाते हैं हमेशा? अच्छा, डॉक्टर साहब अच्छे हैं? हाँ सब। इलाज उलाज ठीक ठाक करते हैं? हाँ डॉक्टर साहब ठीक इलाज करते हैं। पैसा ज़्यादा तो नहीं लेते? नहीं कम पैसा लेते। कम पैसे में ज़्यादा इलाज कर देते हैं? हाँ। अच्छा, तो आप सबके लिए डॉक्टर बंगाली डॉक्टर काम अच्छा कर रहे हैं? हाँ इस समय तो अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप शुभ नाम क्या है आपका? मिथुन सरकार। कितने महीने से हैं आप यहाँ पे? लमसम 15 साल। अच्छा, आपके क्लिनिक का नाम क्या है? क्लिनिक के नाम ऐसे डाला नहीं हो लेकिन शांति क्लिनिक से डाले हो। अच्छा, शांति क्लिनिक। बोर्ड वगैरह नहीं लगाए हैं आप? नहीं, बोर्ड लगाना चाहिए आप लोगों का। और प्रचारों का लोग आएंगे कैसे जानेंगे कौन से क्लिनिक पे दवा चल रहा है उनका? हम लोग चुट पुट दवा करते हैं, बहुत हैवी दवा तो करते नहीं। ऑपरेशन वगैरह डीप वगैरह लगाते हैं आप लोग? नहीं, बच्चे का डीप हाथ में लगा हुआ है वो सुई लगता है, वो लेके आए हैं दूसरे डॉक्टर साहब के यहाँ से। क्या है सब यहाँ के कुछ लोग आपकी बुराइयाँ कर रहे थे, बोले कि डॉक्टर साहब फर्जी बैठे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लोगों को गलत इलाज कर रहे हैं। क्या नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। लोग कह रहे हैं कि 8 हाई स्कूल इंटर पास करके यहाँ पे लोगों को दवा दे रहे हैं, आस पास के लोग आपके कहते हैं? नहीं, आज तक तो कोई बोला नहीं है, बोला हो तो शिकायत करते। हमें जानकारी हुई इसलिए हम पहुँचे कि डॉक्टर बंगाली का हम भी दर्शन करेंगे। आखिर क्यों लोग कहते हैं कि हाई स्कूल इंटर पास होकर आते हैं? क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं हाई स्कूल इंटर पास करके आप लोग आएंगे? देखिए ऐसी कोई बात नहीं, अगर होता कोई शिकायत करता, इतना दिन से है कभी किसी ने शिकायत तो किया नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं दवा देते हैं, बाद में कुछ पेशेंट को दिक्कत होती है, झोला लेकर भाग जाते हैं। ऐसी बात तो है नहीं भैया, ऐसी होता तो आदमी विश्वास करते। प्रयागराज के CMO कौन है आपको पता है? इस समय तो कौन है? स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी कौन है पता है आपको? कभी रजिस्ट्रेशन कराने गए हैं आप वहाँ पे ऑफिस में? नहीं। रजिस्ट्रेशन कराए हैं कि नहीं आप उसका? नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा। 15 साल से ऐसे ही चला रहे हैं? हम लोग छोटी मोटी दवा करते हैं भैया, कोई बड़ी। बल्कि मेडिकल का हो या क्लिनिक का हो करा के रखना चाहिए ना लोग। मतलब 15 साल से चला रहे हैं। और CMO साहब के बारे में जानकारी नहीं आपको? चलिए कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब दवाएँ अच्छा करते हैं लेकिन CMO ऑफिस में किसी भी कर्मचारी को नहीं जानते। फिलहाल ये रजिस्ट्रेशन इनका नहीं है लेकिन इस विषय में हम पंकज पांडे जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं उनसे ज़रूर बात करेंगे। जिस तरीके से मेजा क्षेत्र में एक तरफ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि जो डॉक्टर बंगाली होते हैं वो गलत इलाज करते हैं, जब पेशेंट सीरियस हो जाता है तो बड़े हॉस्पिटलों में उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल इस विषय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जानने की कोशिश करेंगे।